अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं अनीश आरिफ कुरैशी, आज है मेरा 36 डे ऑफ 50 डेज फिटनेस चैलेंज एट दमन बीच और हम खड़े चला ये मालूम है दमन रोड है और हम हमारे साथियों के लिए खड़े हैं, पर साथी बोलते हैं कि आप जाओ हम आएंगे, तो वो आ रहे हैं और हम भी जा रहे हैं, तो आता जा वो बोलते ना बुलाती है मगर जाने का नहीं, समझ रहे, मार्केट हिल रही है मार्केट। तो दोस्तों हम जा रहे हैं दमन, हमारी गाड़ी खड़ी, चलो 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 दिखाएंगे। दोस्तों हमने नमाज फजर अदा कर लिया और अभी आपको थोड़ी देर में हाय हाय हाय, देखा ये मोहब्बत ही है मेरी गाड़ी की जो मुझसे कहती है कि मालिक सीट बेल्ट बांधो, हो सकता है अगर आप जोश में आओ और 100 की स्पीड में चलाओ और खुदा ना खास्ता कहीं टकरा जाओ, तो मैं ना चाहती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि आपको कोई हानि हो, आपको कोई नुकसान हो, तो इसकी मोहब्बत को मैं सैल्यूट करता हूँ। पर ये समझती नहीं है पगली कि मैं यहाँ से वहाँ 20 की स्पीड में ही जाता हूँ और फिर उतरना भी तो है, क्या है कि मशीन है ना, इसलिए नहीं समझती। अगर इंसान होती तो काश ये शायद समझ जाती। इंसानों को एक बार समझाया जा सकता है क्योंकि इंसान में थोड़ा वो दिमाग है, अकल है, और दूसरे जो इंसान है, जो मतलब कौन से इंसान समझना कौन चाहता है, ये एक सवाल भी है। कौन से इंसान समझ जाते हैं जो चाहते हैं कि ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट हो, और कौन से इंसान नहीं समझते, वो नहीं समझता जो कहता है कि मैंने जो कह दिया वो फाइनल, मैंने जो फाइनल बात कह दी ना वो फाइनल है, और जो ये नियत से नहीं सुनता ना कि मैं इस्सलाह, मेरी कोई आके मुझे गाइड कर दे, समझ रहे, इस्सलाह, इसे उर्दू में इस्सलाह कहते हैं और अंग्रेजी में गाइड बोलते हैं, कोई सही रास्ता दिखा दे, तो जब तक आदमी कबूल नहीं करेगा ना तब तक समझ लो समझ में नहीं आएगी बात। तो अगर आपको ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो इस नियत से लोगों की बात सुना करो कि मेरे अंदर भी वो चीज़ आ जाए। हाँ, अभी आप मेरे स्टेटस देख रहे हो, इतने लंबे लंबे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहे हो, तो काहे देख रहे हो भाई, मजे के लिए देख रहे हो। अनीश भाई बहुत रागू बोले, मने तो बहुत मजा आवे, अनीश भाई जी कहे ना हाय हाय हाय, मने एटली मजा आवे, तो हूँ तो शू टाइम पास नहीं थाय मारो, एटला माटे हूँ सोनू छू। तो भाई मारा भाई, शू करवानो शू थे तारू, तमे लोगो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस माटे जोता छे, तो तमारी कहानी शू छे, खतम छे। अगर एंटरटेनमेंट पर्पस माटे तमे जोता छो तो तमारी कहानी खत्म से मारा भाई। नियत करो कि भाई हूँ जे सांभळतो छूं तेना पर अमल करीशुं, शू करवानो छे जिंदगी में, हूँ जे सांभळतो छूं, अने मारा माटे पण दुआ करो कि अल्लाह आ अनीश भाई एटलू मेहनत करत्या छे तो आने पण अमल पर खड़ा कर अने मने पण तू अमल पर लई आव। हमजी गया, हिंदी में इसका तर्जमा ये है कि अब कि अनीस भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसे भी अमल की तौफीक दे और मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमा, ऐसा तो करेंगे क्या करेंगे, तो अमल की तौफीक बहुत मेन है मेरे भाई। सो हम निकल गए मार्केट में। तो दोस्तों मैं अनीश आरिफ कुरैशी आज आपके सामने एक ज़रूरी और अहम बात लाया हूँ। आप देख रहे हो मैं यहाँ पर कहाँ हूँ, मैं दमन के ऊपर, वो नए भारत के ऊपर आप चढ़ोगे सीढ़ी से तो ये गार्डन है, एक सर्कल है, मैं वहाँ खड़ा हूँ। और कल की परसों जो हवाएं तेज चली थी उसके बाद ये हो गया है कारनामा, तो जो कारनामा हुआ है वो बात कोई नहीं, पर मेरी मेन बात ये है, 2 साल के अंदर, कल थी 10 अक्टूबर, आज है 11 अक्टूबर, मैं 10 अक्टूबर की एक डेट कंसिडर करता हूँ 2024, और तब से लेके 2 साल तक यानी 10 अक्टूबर 2026 तक मैं आपको एक सेंसेशन बन के दिखाऊंगा। हाँ, सोशल मीडिया सेंसेशन मैं अनीश आरिफ कुरैशी आपको बता के रहूँगा, और ये मेरा वादा तो नहीं करता पर मेहनत ज़रूर करूँगा, वादा नहीं है मेरा पर मेहनत शर्त है, वो मेहनत मैं आपको करके दिखाऊंगा, इसलिए आप मुझे फॉलो करो और ये क्या नाम है लाइक और शेयर करते रहो, पर मेहनत जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, समझ रहे, मार्केट हिलाने का ना अपने को, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, चिल्लाने से बनते शाने क्या,
चिल्लाने से, सिर्फ चिल्लाने से काम नहीं होगा। आप बोलो मैं सिर्फ चिल्लाऊं, पहले थोड़ा आप बोलोगे सिर्फ मैं चिल्लाऊं और करूं, सिर्फ बोल बच्चन करूं और मेहनत नहीं करूं तो सक्सेस नहीं मिलेगी। इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल इन लाइफ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अगर लोटा लेके बैठना पड़ेगा मार्केट में, समझ रहे हो, ऐसा बैठे हो तो लोटा लेके बैठना पड़ेगा और सब कुछ करना पड़ेगा। जब तक लोटे में पानी नहीं होगा ना, सिर्फ लोटा लेके घूमोगे और पानी नहीं है तो कोई काम का नहीं। लोटे में पानी होना जरूरी है, लोटे में पानी होगा तो काम आपका होगा। तो समझ रहे हो मेरी बात, मेहनत शर्त है। तो अब से दो साल मेरे भाई 10 अक्टूबर 2024 दिस इज गोना बी अप्रिशियस फॉर मी, एंड आपके सपोर्ट के बगैर आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो सपोर्ट करो और फाड़ के रखने वालों में। अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन भाई इतना फास्ट बात का मतलब नहीं है। तो करने का क्या छोटे, समझ में आया क्या करने का क्या, व्हाट टू डू, सिर्फ भाग रहे अनिश भाई, भाग भाग के क्या साबित क्या करना चाहते हो? बात बोलूंगा, एक बात बोलो बोलो। ये अपने इतना भाग रहे हैं ना, लेकिन जो ताके बड़ा मुझे जहाँ से जो बड़ा भाई वो लेवल हो जा रहा है। चालू है ना all my listeners and the partner which are coming with me, which they are doing exercise, एक बात कान खोल के सुन लो, वजन कम करने नहीं आ रहा मैं। गलत फहमी है अगर तुम बोल रहे हो कि तुम वजन कम करना है। वजन कम करना था तो 4 महीने के रोजे रख के 12 किलो वजन मैंने कम किए। पर कहने का क्या, what should you, कहने का मतलब ये है मेरे भाई दिस वॉक इज फॉर द स्टेमिना, दिस वॉक इज फॉर द फिटनेस, दिस वॉक इज फॉर इम्प्रूविंग माई द क्या कहते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम, ऑल द हार्ड वर्क विच आई एम डूइंग हियर, फॉर व्हाट रीजन इज दिस, ऑल दिस वॉक इज फॉर द स्टेमिना, द स्ट्रेंथ, द फिटनेस एंड द रेस्पिरेशन सिस्टम। जो मैं चलते चलते हाफ जाता था ना, मैं तो थक गया। तो व्हाट वाज दैट, मैं थका नहीं हूँ, अब मैं करने वालों आला दर्जा। तो थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ के जो हफ्ता था ना, मैं खत्म करूंगा क्या। तो ये थोड़ा से चलने पे थकने वाला सिस्टम बंद करना। और तुम कहते हो अनिश भाई मीठा भी खा रहे हो, रात में मोरखल भी जा रहे हो, तोड़ रहे हो बोले, तो तोड़ने से मतलब क्या, बोले थोड़ा प्रोटीन ले रहा हूँ ना अंदर, इंटेक करेंगे फिर निकालेंगे बोले। जो सेहत से तोड़ेंगे उसके बाद और सेहत से बोले मेहनत करेंगे। तो जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो दोस्तों आज फर्स्ट ब्लॉग, कितना हो रहा है, 7:53 हो गया, 7:53 को हमने ब्लॉग चालू किया और एंड पे भी लेंगे टाइमिंग कितना देता हूँ मैं। तो आज मेरे को कुछ देने का मन नहीं हो रहा, पर आज मैंने एक इरादा मैंने 5-6 दिन 7 दिन पहले ही कर लिया था, पर ऑन रिकॉर्ड आज मार्केट में मैंने ठोका है कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। क्यों ऐसा मैं बोल देता हूँ यार, क्यों कोई मुझे कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा है और मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह की ज़ात बड़ी है। देखो अल्लाह काम जिससे लेना चाहे
तो जब बंदा भी चाहे कि खुद को कंट्रोल करे तो नहीं कर सकता, और मखलूक भी चाह रही कि इसे रोको, पर मखलूक भी बोले उसके रिश्तेदार चाह रहे हैं कि इसको कोई रोको, इसको कोई समझाओ, और उसके दोस्त भी चाह रहे कि इसको रोको, इसको साला कोई उठा के ले जाएंगा, करेंगे क्या ये? फिर बोले इसके घर वालों का क्या होगा, इसकी बीवी का क्या होगा, इसके बच्चे का क्या होगा? तो ये क्या है, हो क्या रहा है नहीं इस तेरे को, क्या हो रहा है, थोड़ा संभल। तो इसमें क्या है कि मैं खुद को संभालना तो चाह रहा हूँ पर संभल नहीं पा रहा। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को। तो समझ रहो, ये मैं सिर्फ एक अल्फाज है, उसको पीने का शौक नहीं है पर वो गम को भुलाने के लिए पी रहा है। तो मुझे भी बोलने का शौक नहीं है पर जो मार्केट में जो चीज़ें हो रही है ना उसको भुलाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। समझ रहे हो, ये अर्थ आप समझो, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तो मैं मुझे बोलने का शौक नहीं पर बोलता हूँ, पर बोलता हूँ मार्केट में क्या है, उनको हिलाने को, मार्केट को हिलाने को। तो मुझे कोई शौक नहीं है और मुझे कोई परवाह भी नहीं है मेरी लाइक आवे, सब्सक्राइबर बढ़े, वॉच टाइम बढ़े और मेरे को पैसा आवे, वो उसके लिए अपने कर ही नहीं रहे, अपने खुद के लिए कर रहे। सबसे पहली बात, आई एम द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ माई सेल्फ। हाँ, मैं इस मार्केट का सबसे बड़ा अंडुल बकरा हूँ जो मैं कर रहा है। हाँ, और क्यों मैं कर रहा है, क्यों मैं कर रहा है, क्योंकि मैं सुधर जाऊँ, क्योंकि मेरी जिंदगी सवर जाए। हाँ हाँ, आई एम एक्टिंग ऑन अ लॉ, आई एम लाइक एक स्टडी आई थी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट है कि सेकेंड है कि थर्ड है वो नहीं पता, पर इट इज़ अ न्यूटन्स लॉ। ही सेड एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वॉट न्यूटन सर सेड, न्यूटन सर सेड वंस अपॉन अ टाइम इन इंग्लैंड, ही सेड दैट एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी में आ रही है। कैसे आ रही है, हाउ, क्यों आ रही है? बिकॉज आई एम लाइक थ्रोइंग अ बॉल ऑन अ वॉल। समझ लो ये दीवार है, इस पर मैं अगर बॉल मारूंगा तो जितनी तेज़ी से वो मारूंगा वो मेरे पास आ रही है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ मार्केट में, व्हाट आई एम सेइंग, वो मेरे पास सबसे पहले आ रही है। वो दिख नहीं रहा है, किसी को दिख नहीं रहा है, किसी को दिख ही नहीं रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ, ना ही मुझे दिख रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ कि बोल रहा हूँ तो ये आवाज़ इको आ रही है मेरी और हवा के साथ गायब हो जा रही है, पर एक ज़िंदगी में असर जो मैं फील कर पा रहा हूँ, मेरे आजू बाजू चलने वाले भी फील नहीं कर पा रहे, और मेरे जो रिश्तेदार है या मेरे साथ रहने वाले हैं वो भी उस चीज़ को फील नहीं कर सकते, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्यों? क्योंकि बोल तो मैं रहा हूँ ना, जो मैं बोल रहा हूँ तो असर किसको होएगा, असर किसको होगा भाई, मेरे को होगा, क्योंकि मैंने नियत करी है। क्या नियत करी, व्हाट द नियत इज, कि भाई ये बोलना मेरे लिए, मैं किसी को बहुत बड़ा संत बोले बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, पीरों के पीर अनीस बाबा नहीं हूँ, हाँ पीराने पीर अनीस बाबा नहीं हूँ मैं। हाँ, और मैं ये नहीं चाह रहा कि लोग मेरे बयान सुन के सुधर जावे, मेरे स्पीचेस सुन के सुधर जाए, वो दूसरे नंबर की बात है। पहले नंबर की बात ये है कि मैं कैसे सुधरूँ, दूसरे नंबर की बात है अगर आप सुन रहे हो और समझ रहे हो और ज़िंदगी में ला रहे हो और आप मेरे वीडियो देख रहे हो, और अगर आप आपका टाइम लगा रहे हो, आपका वक्त लगा रहे हो, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपके अंदर ये बातें आवे, क्योंकि आपका वक्त लगा रहे हो। देखो, टाइम इज़ मनी माय ब्रदर, टाइम इज़ मनी। अगर ये टाइम निकल गया ना, टाइम को अगर आप जो लम्हा एक बार निकल गया ज़िंदगी से, वो आने वाला नक्को नक्को मारा भाई, आसी को नहीं वो फिर से। समझ रहे थे मेरी बात? तो ये बात को समझो, क्या करना क्या चाह रहा है अनीश। हाँ, तो जो वक्त ज़िंदगी का गुजर गया, हाँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है,
पल दो पल मेरी कहानी है। इसका ये सब अनिल भाई गाना बहुत गाते, क्या करने का क्या है? हाँ तो ये गाने नहीं है, ये जो शायर जो लिरिक्स जो राइटर्स है वो लिखते हैं। बेचारे वो तो अपने दिल से लिखते हैं, पर क्या होता है उनमें म्यूजिक डाल दी जाती है, ने फलाना ने ढिंकाना ने टंग कर देते, आदमी का क्या लिरिक्स का मतलब नहीं समझ पाता वो म्यूजिक में, बस आ जाना चले ना चले मेरी यार तू न चले धनक धनक धनकार, तो क्या होता है वो नच रहा तो है पर क्या उसमें बीट्स पे वो छुमक रहा है। इसलिए म्यूजिक हराम है इस्लाम में। क्यों म्यूजिक हराम है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो लिरिक्स को नहीं सुन पा रहा है, वो म्यूजिक के धुन पे नाच रहा है, उसको धुन चढ़ी है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसका मफहूम है के है ना, मफहूम मैं बता रहा हूँ, म्यूजिक से क्या होता है आदमी मुनाफिक के दर्जे तक पहुंच जाता है। क्यों मालूम, मैं आपको इसका सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। यू आर लिसनिंग अ सॉन्ग, हाँ आप सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, हाँ आप एकदम वो वाला सुन रहे हो, ओ इको फ्रेंडली नेचर के रक्षक, मतलब जो एकदम जोश वाला गाना है, तो आप में भी जोश आ रहा है, आपके अंदर वो लेवल नहीं है, पर आप गाना सुनने के बाद आपके माइंडसेट में क्या आ रहा है कि क्यों मेरे में ऐसा मोटिव आ रहा है। म्यूजिक में एक ये ताकत है, म्यूजिक की एक खासियत है, या मैरिड बोल लो या डीमेरिड बोल लो, ये म्यूजिक एक ऐसी चीज है, आपकी जिंदगी में वो चीज होगी नहीं पर वो आपको उस लेवल तक पहुंचा देगी। आप बात समझ रहे हो, शायद ये मैं भी कहे क्या बोल रहा हूँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, पर ये बात मैं बहुत आला दर्जे की कर रहा हूँ। ये अल्लाह मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह बुलवा रहा है, कैसे बुलवा रहा है, सुभान अल्लाह, कैसे बोल पा रहा हूँ, अल्लाह अकबर। हाँ तो ये अल्लाह है भाई जो बुलवा रहा है, क्योंकि ये जो धुन में मैं गया और वापस आया मुझे पता नहीं चला। हाँ कंटिन्यू करते कोई बात नहीं, अल्लाह अल्लाह की मदद आएगी। हाँ तो ये जो मैं एग्जांपल आपको बता रहा था कि धुन धुन म्यूजिक म्यूजिक आपको कहाँ से कहाँ लेके जा रही मालूम, द म्यूजिक टंग 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 आपके अंदर ये जोश ला रहा है। और अगर आप सैड सॉन्ग सुनोगे, क्या सैड सॉन्ग कोई बताओ ना, क्या सच कह रहा है दीवाना दिल दिल ना किसी से लगाना, अब ये गाना आप सुनो और अगर आप सैड नहीं हुए तो मेरा नाम बदल देना, मार्केट हिलेगा, हाँ मार्केट हिलेगा, और आफ्टर जिंदा है जो ये सब लगाओगे तो क्या जिम में मोटिवेशन आएगी, वर्कआउट करने में मोटिवेशन आएगी। तो ये सब म्यूजिक का असर है, व्हाट म्यूजिक कैन क्रिएट, आप समझ रहे हो मेरी बात। म्यूजिक म्यूजिक ये है आपको थोड़ा मुनाफिक के वो दर्जे तक पहुंचा देती है। मोहसिन भाई बात बराबर कर रहा हूँ कि गलत है? हाँ हाँ ये बात के बारे में नहीं आइडिया आपको कभी, साइड मोटिवेशन कभी हुआ नहीं ना साइड। अरे भाई मैं आपको देखो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वीडियो छोड़ दो, चलो आप शायद से गाने नहीं सुनते हो, आपकी बात अलग है, मोहसिन भाई आला दर्जे का तकवा वाला आदमी, उनको छोड़ दो, बाबू भाई भी छोड़ दो, बाबू भाई भी गाने नहीं सुनते, वो पट गई उनकी कहानी। ए रमजान आ इधर आ मार्केट में आ, तेरे से सवाल है मेरे भाई रमजान खलीफा अयुब भाई का छोकरा और कॉलेज इन दुकान का सेठ, चड्डी बनियान चाहिए एक नंबर भारी वाली तो आओ मिल जाएगा, आओ दे देंगे, क्या दे देंगे, तो आओ मार्केट में, चड्डी चाहिए सस्ती चड्डी चाहिए गुलाबी चड्डी चाहिए, कौन सी चड्डी चाहिए, चड्डी 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 कौन सी चड्डी चाहिए, एकदम आला दर्जे की चड्डी, लो कॉस्ट चड्डी, हाई फाई चड्डी, तुम्हारी बुढ़ापे को जवानी में तब्दील कर देने वाली चड्डी 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 तो कौन सी चड्डी चाहिए, सब मिलेगा सब मिलेगा, आओ सिर्फ और सिर्फ कॉलेज इन में, कहाँ है कॉलेज इन, क्या है अनीश भाई कहाँ है कॉलेज इन, हमें रमजान भाई से मिलना है, तो रमजान भाई से मिलने के शौक में रहे आने वालों, आओ रमजान के भाई की दुकान कहाँ है बता दू, सूर्या गली, सूर्या सूर्या जानता है तू कौन है, मैं जानता है, तो सूर्या हॉस्पिटल वाली गली है मेरे भाई, उधर आओ मार्केट में और मार्केट हिलेगी, मैं बताऊँ कहाँ पर है, वो न्यूटन फर्नीचर, न्यूटन फर्नीचर के बाजू में, ये मेरा इंस्टाग्राम पे पहला प्रमोशन है फ्री ऑफ कॉस्ट, और रमजान भाई पैसा नहीं लूंगा मैं,
फ्री ऑफ कॉस्ट है तुम्हारे लिए, मेरा भाई मेरा भाई। थैंक यू भाई। हाँ, सेट गाने क्या था उसपे पहले क्या, तुम भी पूरा प्रमोशन की बात लगा रहे हो। प्रमोशन हो गया ना, फुल प्रमोशन देता हूँ ना मैं तो। आफ्टर अ प्रमोशन ऑफ माय रमजान भाई, कहाँ है दुकान रमजान भाई की, किधर है समझ में आया क्या? छोटे न्यूटन फर्नीचर के बाजू में, सूर्या वाली गली में जैसे ही घुसोगे ना तो एक छोटा सा दुकान है एकदम मस्त, मेरा रमजान दिखेगा उधर, और वहां जाके चिल्लाना रमजानी भाई रमजानी भाई, बस इतना चिल्लाना तो रमजान आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है रमजान, तेरा प्रमोशन हो गया, पैसा नहीं ले रहा हूँ पर अभी मेरे को जवाब बराबर चाहिए म्यूजिक के बारे में। ये बहुत बड़ी चीज है, हदीस में इसके बारे में आया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसका मफहूम है, मफहूम बता रहा हूँ मैं, मेरे को हदीस के अल्फाज सही तरीके से आते नहीं है पर मैं मफहूम बता रहा हूँ कि म्यूजिक है ना आदमी को मुनाफिक की दर्जे तक ले जाती है। मुनाफिक, मुनाफिक कौन है मालूम? मुनाफिक का मैं आपको डेफिनेशन बता दूँ कि जाहिर में तो बताता है कि मैं हूँ, मैं बड़ा नेक हूँ, ईमान वाला हूँ, पर अंदर दिल में क्या है, अंदर दिल में बोले क्या है छोड़ना साला। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, मैं जाहिर में रमजान मेरा भाई, ये मैं और मेरा भाई रमजान बहुत भारी ऐसा करता हूँ, और दिल में क्या है, रमजान बहन का कार्ड समझा रमजान ये रमजान वो, दिल में मेरे ये है, और मैं मतलब जाहिर में मैं रमजान का बहुत बेस्ट बड़ा बैठ, पर मेरे दिल में क्या है, बांध का कार्ड, बांध का कार्ड है बोले तो अब म्यूजिक के बारे में, अब म्यूजिक के मैं सवाल पूछूंगा, जब तू मोटिवेशन वाले म्यूजिक यानी जिंदा है तो और साड्डा हक सुनता है तो तेरे अंदर क्या जोश आता है बता? तो थोड़ी फुर्ती आ जाती है, ऐसा फुर्ती आ जाती है। ये देखो ना कैमरा में हम लोग आ रहे हैं क्या, देखो ना बराबर आ रहे ना, मेहनत कर पसीना बहा, हाँ ऐसा मोटिवेशन आता है, हाँ मोटिवेशन सॉन्ग होता है वैसा थोड़ी देर तक दिमाग फीलिंग आती है ना। और अगर तूने ये गाना सुना सच कह रहा है तो ज्यादा आएगा, हवा में उड़ने लगेगा है ना, ये तो इसकी मजा नहीं आएगी। तो ये बात है कि इस पे आप भी एग्री होते हो कि नहीं? जिसम तो जिसम अंदर से पूरा दुआ दे। हाँ तो इस पे पता है आपको, लेकिन भाई वीडियो पे नहीं बोलोगे? लू सामने लू, कैमरा लू तुम्हारे पे लू। देखो आपको भी पता है ये बात, अगर आप मोटिवेशन सुन रहे हो तो आपके अंदर वो जुनून और जज्बा आएगा। और अब मैं पूछता हूँ, जब तू सैड गाने सुन रहा है, समझ ले कि तेरी बीवी से तेरी लड़ाई हो गई है, और तेरी बीवी बोल रही है कि मैं मेरे मायके जाऊंगी, माई लाइफ माई रूल, माई लाइफ माई रूल, तुम्हारी वाइफ बोल रही है कि मैं जाऊंगी तो जाऊंगी, तेरे बाप का क्या उखाड़ेगा, चल बता। ये तो बोलती नहीं है पर वो मेरा, ये थोड़ा ओवर हो गया पर्सनली लेने का, पर ये देता रहता हूँ मैं तो मजाक है। तो अगर आपकी वाइफ आपसे लड़ाई कर ली, फिर तू दुकान पे जा रहा है, कॉलेजिन पे बैठ रहा है, और तेरा मूड वाले गाने में सुनते सुनते जा रहा हूँ, हाँ सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना, ये वाले, फिर अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला। तो ये तो चलो लड़के की तरफ से मोटिवेशन है, लड़के की जो लड़का सोचते सोचते दुकान जाता है, घर हाँ। पे बैठी वो रो रही है, उसकी भी तो आंसू बताता हूँ ना, रुको तो सही पूरी बताऊंगा। तो एक ये है, तो इससे क्या हुआ, तूने सैड गाने सुने तो तू कैसा हो गया, तेरी फीलिंग, फिर बाद में मैं रोने लगा, रोने लगा, आंसू आने लग गए, तो तू सैड हो गया गाना सुन के, डिप्रेशन में आ गया, डिप्रेशन में आ गया, वो हो गया। हाँ फिर दूसरा मौज मस्ती वाले पार्टी वाले सॉन्ग, वेक अप सीड सारे कम कहे, वेक अप सीड संजही चले, आज की पार्टी मेरी तरफ से, ये सब सुन रहा है तो तेरे में क्या जोश आ रहा बता? ये सब सुन के तो ऐसा मन करता है बंधन धंधा छोड़ के हाँ चले जाओ पार्टी वार्टी करने, घूमने गोवा हुआ ऐसा। तो ये है म्यूजिक का असर, आप देख रहे हो, इफ यू आप पार्टी वाले सॉन्ग सुन रहे हो तो आपके अंदर ऑटोमेटिक जज्बा आ रहा है, तो ये म्यूजिक का इफेक्ट है, ये म्यूजिक कांस्टेंट नहीं रहता, ये थोड़ी देर हाँ, तो ये मुनाफिक की लेवल है, ये आपको मुनाफिक की लेवल तक पहुंचाती है, समझ रहे हो? ये म्यूजिक जो है ना, म्यूजिक का काम है धुन, जो ट्यून, मैं लिरिक्स के बारे में नहीं बोल रहा, आप
अगर आप कह रहे हो लिरिक्स देखो इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूजिक्स है जो धुन है धुन जिसको धुन बोलते हैं संगीत संगीत अलग होती है और जैसा एक अगर मैंने पढ़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम ये मैंने पढ़ा ये लिरिक्स है और अगर मैंने कहा जैसे मैं दो पल का शायर हूँ ये सब आप कर सकते हो बट इसके अंदर म्यूजिक नहीं होना चाहिए म्यूजिक अगर हो गया जैसे धुन गिटार की ट्यून आपने लगा दी आपने फ्लूट बजा दी और क्या नाम है मंजीरे बजा दिए तो क्या होगा मार्केट में ये हराम है मेन चीज़ ये है आप ये सब चीज़ कर सकते हो आप लिरिक्स को पढ़ सकते हो पर इसके अंदर जो म्यूजिक है जो ट्यून है वो असल में हराम है तो रमज़ान भाई समझे मेरी बात समझ गया आप पहले हैप्पीनेस पे आ गए पार्टी मोड पे आ गए फिर क्या नाम है पार्टी मोड हो गया रोने पे आ गया और क्या है जिंदगी में और क्या होता है और मौज मस्ती मौज मस्ती पार्टी तो हो गए ना मौज पेट्रोटिक कभी पेट्रो हाँ जैसे देखो तब तक अपना झंडा हाथ में रखते हैं हाँ 15 अगस्त आई तो सारे मेरे देशवासी ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू बस क्या है कि मार्केट हिलाने का क्या है कि जब तक गाने सुन रहे 15 अगस्त को गाने सुने फिर क्या झंडा यहाँ पर पड़ा है तो करने का क्या कहने का क्या मार्केट में हाँ ये पकड़ तो चल रहा अभी देता हूँ अभी मेरा टाइम है अपना टाइम आएगा अपना टाइम आएगा क्यों कॉफी तू कहाँ बना रहा है तू किधर जा रहा है नहीं गाना गा रहे बता रहा हूँ ना मिक्स नहीं चलता ये मिक्स नहीं चलता नहीं गाना गा रहे गाना अभी तो मोटिवेशन दे रहा है नहीं तो मैं तो देता रहता हूँ ना क्या मिक्स नहीं चलेगा नहीं नहीं रुको मेरी बात सुनो मेरी बात मिक्स सब चलता है आजकल क्या मिक्सचर का आज तो मसब चलता है मसब सब चलता है तो मेरी बात सुन क्या कह रहा था मैं सवाल नहीं चल रहे सवाल मांग तो सवाल सवाल पूछेंगे कुछ जवाब देंगे तो वो सब है मेरे पास है पर मेरी बात सुनो कहने का क्या आफ्टर पेट्रोटिज्म पे बात आई ना तो जब मेरे देश के बारे में बात आती ना तो मेरे अंदर का खुलता है सीना हाँ छोटे सीने पे खाऊंगा गोली सीने पे देश के लिए हाँ ये सिर्फ लफ्जी अल्फाज नहीं एक्टिंग नहीं है दिस इज माई जुनून एंड जज्बा ऑल द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन दिस मार्केट तो कहने का क्या 15 अगस्त 26 जनवरी हम लेके लहरा दो ये सब कर रहे हैं उसके बाद क्या हो रहा है झंडे नीचे व्हाट इज दिस गोइंग ऑन दिस मार्केट हाँ ये है पेट्रोटिज्म ये है एक दिन की मोहब्बत देश के साथ ये है एक दिन की तुम्हारी मोहब्बत ये है एक दिन का तुम्हारा जुनून ये है तुम्हारा एक दिन का ही होता है क्या सब सिर्फ एक दिन करेंगे बाकी नहीं करने का क्या समझ में आओ समझो दिमाग लगाओ थोड़ा मार्केट समझो एक दिन से कुछ नहीं होता अगर सच्ची मोहब्बत है देश के साथ तो कॉन्स्टेंट मेहनत करो हाँ दिल में देश की मोहब्बत लेके चलो और हाँ और हाथ पे हाथ बैठे मत करो हाँ बुरी बातों से रोको लोगों को जो अच्छी बातों का हुक्म करो और बुरी बातों से रोको बुरी बात ना हो बुराइयों से रोको लोगों को ये बात असल है अगर आप अच्छी बातों का हुक्म कर रहे हो और बुरी बातों से रोक रहे हो तो ये सच्ची देशभक्ति है सही है कि नहीं भाई गलत बोल रहा हूँ अगर सच्ची देशभक्ति लानी ना तो ये एक ही बात पे आ जाओ एक ही टॉपिक पे आ जाओ सच्ची देशभक्ति जो मेरे नबी ने फरमाई हाँ जो मेरे रब ने फरमाई क्या है सच्ची देशभक्ति क्या है ये बात मेरे नबी ने क्या फरमाया कि अच्छी बातों का हुक्म करना और बुरी बातों से रोकना और मैं इसको क्या कहता हूँ मेरी भाषा में ये देशभक्ति है देश से मोहब्बत है देश से प्यार क्या है यही है प्यार और मोहब्बत कि तुम जो हो देश के लिए हाँ देश के हर एक इंसान के लिए अच्छी बातों का हुक्म करो और बुरी बातों से रोको अच्छी बात का हुक्म क्या है इसको मैं थोड़ा इलेबरेट करता हूँ अच्छी बात का हुक्म ये है कि तुम अच्छे लोगों के साथ अच्छे मैनर से अच्छे कैरेक्टर से आलीशान कैरेक्टर आपका हो आला अखलाक हो ये अच्छी बात है अच्छी बात क्या है कि आप प्रॉपर वे में बिजनेस कर रहे हो अच्छी बात क्या है हाँ कि अच्छी बात क्या आप लोगों से मिल रहे हो एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हो अच्छी बात यह है और बुरी बातों से रोकना क्या है कि भाई बुरी बात क्या है कि झूठ बोल के धंधा करना ये बुरी बात है धोखा देना बुरी बात है हाँ हाँ किसी को झूठ बोलना बुरी बात है हाँ हाँ और दिल में और अपने दोस्तों के साथ मुंह पे अच्छा बनना और दिल में कपट रखना कीना रखना ये बुरी बात है
और बहुत सारी बुरी बात है। तो ये सारी चीजें कब आएंगी, मार्केट कब हिलेगा? देश से सच्ची मोहब्बत है तो सच्ची मोहब्बत क्या है, अच्छी बातों का हुक्म करना और बुरी बातों से रोकना। ये अनीश की बात है, लिख के ले लो। अगर ये बात मैं गलत करता हूँ और ये अगर तुमको गलत लगती तो आओ मेरे से मिलो, मेरा दुकान का एड्रेस दू क्या, सी टाइप मस्जिद के आगे आओ, एवरग्रीन पार्टी प्लॉट में वहीं बैठता हूँ, आओ अगर आपको बात करनी है मेरे साथ। अनीश भाई तुम बहुत गलत बोलते हो, तुम्हारा वजूद मिटा देंगे, सो लेके आओ एक गन एंड ये है मेरा दिल, ऐसा मैं खड़ा हूँ ऐसा एंड यू कैन शूट। या मैं डरता नहीं किसी से, किसी का खाया नहीं है मैंने। हाँ क्या खाता है बोले, छोटे पैसे को खाएगा क्या, पैसा पैसा करता रहता है तू, पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पे तू मरती है, एक बात मुझे बतला दे क्यों, तू उस रब से क्यों नहीं डरती है। हाँ तो पैसा पैसे को खाएगा क्या छोटे, कितना बेड़ी खाता है कि खोखा खाता है, क्या करने का क्या। सो वी आर एंडिंग हियर। और मैंने जो व्लॉग चालू किया था 2 साल के अंदर, अगर सोशल सेंसेशन, सोशल मीडिया सेंसेशन आपको नहीं बन के बताया, हाँ 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर अगर नहीं बन के बताया ना, देखो मैं शर्त नहीं लगा रहा, वादा नहीं कर रहा, पर मेरा ये वो है वादा, किस बात का है, मेहनत का वादा है, मेहनत का वादा है। अगर मेहनत मैंने छोड़ दी तो तुम बोल रहे अनीश भाई तुम झूठे हो, तुमने मेहनत छोड़ दी। हाँ मेहनत नहीं छोड़ूंगा, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, समझा। चल खत्म कर।